वेलकम 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 शाहिना का किचन में वेलकम। आज मैं ये सीता फल, जिसको शरीफा भी कहा जाता है, इसका मैं बासुंदी खीर बना करके दिखाने जा रहे हैं। अभी इसका फल निकालेंगे और इसके लिए हमने दूध लिया है 1 लीटर, और यहाँ यहाँ चीनी है, ये नारियल बुरादा है, ये किशमिश है, ये काजू बादाम का बुरादा है, और ये थोड़ा सा दूध पाउडर है। इसको हम दे करके दूध को हम घोल रहे हैं, घोल करके दूध में देंगे। कस्टर्ड रहता तो कस्टर्ड देते, कस्टर्ड मेरे पास नहीं है, ना ही मेरे पास खोआ है अभी। आप ऐसे पड़ता है कस्टर्ड ही पाउडर, लेकिन दूध का पाउडर भी दे करके दूध को गाढ़ा करना है। दूध के पाउडर को फेर दिया है मैशर से, अब इसको इसमें डाल देंगे। अब ये गाढ़ा होगा, तब तक हम फल निकाल के दिखाते हैं आपको। ऐसे पड़ता है इसमें मिल्क कस्टर्ड पाउडर, नहीं मिल्क मेड, जो कस्टर्ड आता है वो पड़ता है। अब इसको रहने देंगे, इसको गाढ़ा होगा। इसको ऐसे निकाला जाता है, एक करके हम निकाल के आपको दिखा रहे हैं। इसका ये निकाला जाता है पल, इसको चलनी में चाल देंगे तो बीज इसमें आ जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। देखिए ये पूरा पका हुआ है, कहीं कहीं पर थोड़ा सा कच्चा है। निकाल के हम बीज दिखाते हैं पल आपको। सही निकाला जाता है, इसका बीज को पूरा नीचे गिरा देना है, पल को बीज ऊपर में रह जाएगा। ये महाराष्ट्रीय डिश है, ये महाराष्ट्र में ज़्यादा होता है, परिवारों में शादी ब्याह में लोग बनाते हैं इसको। मैं अच्छा से निकाल रहे हैं, आसानी से निकल जाएगी इसका बीज। आज सही इसी तरीके से करके निकाल करके लोग स्टोर कर देते हैं 2 महीने 3 महीने तक, क्योंकि हर हमेशा तो ये नहीं मिलता है जिसको खाने के दिन है। इसमें प्रोटीन से भरा हुआ है, इसमें ताकत बहुत है, जिसको चाहे अपना वजन बढ़ा सकता है। इसको रोज एक खाएगा तो उसका वजन बढ़ जाएगा, बहुत बीमारियों से बहुत निजात मिलती है। इसमें बहुत ही फायदा की चीज़ है। देखिए सारा बीज अलग हो रहा है, सब अलग हो जाएगा। हमारा इधर दूध भी हो रहा है, ये देखिए ये दूध भी हमारा गाढ़ा हो रहा है, ये और गाढ़ा भी होगा। उसके बाद से इसको ठंडा करेंगे, तब चीनी देंगे, तब उसमें ड्राई फ्रूट सब देंगे, तब इसको ठंडा करेंगे, तब उसमें देंगे। ये हमारा बीज निकल चुका, यहाँ छिलका इसको हम इसमें निकाल रहे हैं। ये एप्पल कस्टर्ड भी कहलाता है, इसका नाम एप्पल कस्टर्ड कहा जाता है हिंदी में, शरीफा। और सीताफल भी है नाम इसका, शरीफा का खीर हुआ। ये देखिए अब वहाँ हमारा दूध गाढ़ा हो रहा है, हो चुका है। अब इसमें हम देखिए पूरा मलाई सब आ गया अलग। देखिए इसको मलाई ऐसे ही अलग होना चाहिए, ये मलाई हमारा अलग हो चुका है। बहुत मीठा है इसलिए चीनी इसमें कम देंगे, आप अपने हिसाब से चीनी दे सकती हैं। आपका दिल चाहता है तो हरी इलायची का पाउडर दे सकती हैं, हमने हरी इलायची नहीं दिया, केवड़ा देंगे। ज़ैफ़रान दे सकती हैं, हम ज़ैफ़रान नहीं देंगे क्योंकि इसका कलर बदल जाएगा। ये चीनी हमारी घुल चुकी है, अब मैं इसमें नारियल का बुरादा देने जा रहे हैं। नारियल का बुरादा हमने दिया, ये देखिए अब ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है, तब इसको ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद ही वो जो निकाल के रखे हैं सीताफल को वो देंगे, अभी नहीं देंगे, अभी नहीं दी जाती है, ठंडा होने के बाद ही दी जाती है। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट और थोड़ा सा ऊपर गार्निश में देंगे, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स दिए अभी।
काजू बादाम दिए हैं, थोड़ा सा किशमिश दे रहे हैं, नारियल दिए हैं। अब ये देखिए ये गाढ़ा हो रहा है, अब इसको गैस को बंद करेंगे, थोड़ा सा केवड़ा ला करके दे रहे हैं दिया है। अब ये ठंडा होता है 10 मिनट, 10 मिनट के बाद हम जो फल निकाले हैं सीताफल का वो दे देंगे। अभी केवड़ा दे रहे हैं, देखिए कितना अच्छा ये महक रहा है, बहुत अच्छा बनता है खीर। ये देखिए ये हमारा खीर ठंडा हो चुका है हल्का। अब इसमें जो हमने जो पल निकाल के रखा था शरीफे का वो दे रहे हैं। बासुंदी खीर हमारी तैयार हो चुकी है, एक बार बनाएंगे ज़रूर, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी बनता है, यकीन मानिए। और एक बार बना करके आप ज़रूर ट्राई करें, कोई मेहनत नहीं है, कुछ भी मेहनत नहीं है। आपको लग रहा होगा बीज निकालने में मेहनत है, कुछ भी मेहनत नहीं है, पका हुआ बीज रहता है, सरसर सरसर निकल जाता है। अब मैं इसको निकाल करके आपको दिखा रही हूँ। हमारा बासुंदी खीर तैयार हो चुका है शरीफे का, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनता है। इसको स्टोर भी आप करके रख सकती हैं, इसका पल निकाल करके महीनों महीनों दिन, 2 महीना 3 महीना जब भी दिल चाहे बना करके फ्रिज में रख सकती हैं, बना करके इसका खीर खा सकती हैं, वो अपने हाथ में है। लेकिन बहुत तेज़ी से निकलता है बीज, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, देखने के बाद नहीं लगना चाहिए कि ये हो रहा है। बताने में समझाने में कोई भी गलती हो रही होगी माफ़ करेंगे, कमेंट करके हमें बताएंगे और हमारी गलतियों को माफ़ करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम।